इस दुनिया में आपको कई तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे जो कि विभिन्न कलर और साइज के होते हैं। सभी जानवरों का अपना कलर होता है, जैसे भालू का ब्लैक होता है, शेर भूरे कलर के धारी में होते हैं, ऐसे सभी जानवर होते हैं। इनमें से आपने कई जानवरों को देखा भी होगा, लेकिन शायद ही आपने सफेद शेर से लेकर सफेद भालू तक को देखा हो। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे कई जानवर हैं जो अपने व्हाइट कलर के चलते दुनिया भर में जाने जाते हैं, जिनकी संख्या बेहद कम है और विलुप्त होने के कगार पर है। तो चलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन यूनिक जानवरों के बारे में बताएंगे जो अपने सफेद रंग के चलते जाने जाते हैं। हंड्रन व्हाइट बैट। आप सभी ने कई बार चमगादड़ों को देखा होगा। आमतौर पर चमगादड़ नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक काले उड़ने वाले जीव की तस्वीर उमड़ पड़ती है। ये काले चमगादड़ दिखने में प्यारे नहीं होते हैं। आप में से इन्हें कोई छूने की कोशिश करना तो दूर, इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रजाति के चमगादड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में बहुत ही क्यूट और प्यारे लगते हैं। इन्हें देखकर आपका मन करेगा कि इन्हें हाथ में उठा लें, प्यार करें, दुलार करें और पालें भी। दरअसल हम यहाँ जिन चमगादड़ों की बात कर रहे हैं वे हैं हंडूरियन व्हाइट बैट। इस प्रजाति के चमगादड़ सफेद रंग के होते हैं। ये सिर्फ होंडुरास, निकारागुआ और पनामा में ही पाए जाते हैं। इन इलाकों में भी ये रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं। होंडुरन व्हाइट बैट स्वभाव से बड़े प्यारे और शांत होते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसा कि आप सभी तस्वीरों में देख ही सकते हैं। इस प्रजाति के चमगादड़ अपना अधिकतर जीवन हेलिकोनिया पौधे की पत्तियों के अंदर ही बिताता है। वे इन्हीं पत्तियों को खाकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। हर एक पत्ती में से 6 से 7 संख्या में ये पाए जाते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटे से चमगादड़ 15 से 20 साल तक जीते हैं। नर का आकार मादाओं की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। हंडूरियन व्हाइट बैट और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कुछ लोग इन्हें कैरिबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट या कॉटन बॉल बैट्स भी कहते हैं। दरअसल ये देखने में रुई की छुट्टी बॉल की तरह होते हैं, इसलिए इनका नाम कॉटन बॉल बैट्स भी है। ये चमगादड़ों की एक दुर्लभ प्रजाति है, इनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है। व्हाइट एलिगेटर्स। आपने दुनिया के खतरनाक जानवरों में से एक मगरमच्छों को तो देखा ही होगा, जो जीता जागता इंसान अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन यकीनन आपने सिर्फ डार्क ब्लैक या फिर ग्रे कलर का ही मगरमच्छ देखा होगा, लेकिन आज हम आपको आपके सामने सफेद मगरमच्छ पेश करना चाहते हैं। ये मगरमच्छ पूरी तरह से सफेद होते हैं और इनकी आंखें गुलाबी रंग की होती हैं, जो अमूमन मगरमच्छों में देखने को नहीं मिलती। ये बहुत ही रेयर होते हैं, जो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्थित एक जू में मौजूद होते हैं। नॉर्मल मगरमच्छ की चमड़ी काफी मोटी होती है और धूप सेकना पसंद होता है, लेकिन सफेद मगरमच्छों में ऐसा नहीं है। उनकी चमड़ी बहुत ही पतली होती है और वो धूप नहीं सेक सकते हैं, क्योंकि हल्की सी धूप उनकी चमड़ी को जला सकती है। इसी कारण ये पानी में तैरते रहते हैं। वैसे आप जानकर हैरान होंगे कि जू में इन सफेद मगरमच्छों को ब्रश भी कराया जाता है। और यही नहीं, ये जिस तालाब में रहते हैं वहाँ का पानी भी समय समय पर साफ या बदल दिया जाता है। दुनिया भर में मगरमच्छों की संख्या कम होती जा रही है। शिकागो जियोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक पूरी दुनिया में केवल 100 सफेद मगरमच्छ हैं और उन्हें एल्बिनो मगरमच्छ कहा जाता है। वैसे इन्हें एल्बिनो कहने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल एल्बिनो एक जेनेटिक बीमारी होती है जो ना सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों में भी पाया जाता है। इसमें शरीर के सभी अंगों के साथ साथ आंखों के बाल सब कुछ सफेद हो जाता है। इसे रंगहीनता भी कहा जाता है। इस बीमारी से ग्रसित लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं। हम्पबैक व्हेल। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक हम्पबैक व्हेल को, जो व्हेल मछली की ही एक प्रजाति होती है, लेकिन ये आम व्हेल से काफी बड़ी होती है। इनकी लंबाई 39 से 52 फीट तक होती है और उनका वजन 28 से 33 मीट्रिक टन होता है। ये व्हेल मछलियां 2 कलर में पाई जाती हैं, ग्रे और व्हाइट। व्हाइट कलर की व्हेल बहुत ही रेयर होती है। ये व्हेल सिर्फ आपको अंटार्कटिका सागर में ही देखने को मिलेगी। इनका साइज और वजन भले ही जितना बड़ा हो, लेकिन इनका दिल बेहद कोमल होता है। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते और समुद्र में मौजूद मछलियों से दोस्ती बरकरार रखते हैं। ये 2 से 3 साल में एक बार प्रजनन करते हैं और ये मछलियाँ 45 से 100 साल तक जीवित रह सकती हैं। 50 के दशक में हम्पबैक व्हेल विलुप्त होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन शुक्र है कि अब इनकी संख्या हजारों में है। व्हाइट लायन। शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए इस राजा को हर कोई जानता है। ये इतना खतरनाक होते हैं कि इनसे अच्छा खासा जानवर भी दूर भागता है। वैसे तो आमतौर पर आपने भूरे कलर के शेर देखे होंगे, लेकिन आपने शायद ही सफेद शेर देखा हो। सफेद शेर काफी दुर्लभ होते हैं, जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। हालांकि इन्हें देखकर आप सोच रहे होंगे कि इन्हें एल्बिनो नाम की बीमारी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन शेरों का सफेद रंग एक अलग तरह के म्यूटेशन के कारण होता है। इस म्यूटेशन के चलते शेर सफेद या फिर सुनहरे कलर के होते हैं। ये देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं ना, शरीर से उतने ही कमजोर होते हैं। जी हाँ, ये आम शेरों की तरह खतरनाक नहीं होते। यही नहीं, इनके बच्चे अंधे पैदा होते हैं, जो अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। फिलहाल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 11 सफेद शेर ही बचे हैं।
सेनिका वाइट डियर। आपने चिड़ियाघरों में कई हिरन देखे होंगे जो भूरे रंग के होते हैं, लेकिन आपने कभी भी व्हाइट कलर का हिरन नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हिरन सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। इन्हें सैनिका व्हाइट हिरन के नाम से जाना जाता है, जो काफी दुर्लभ होते हैं। ये अपने सफेद कलर की वजह से काफी खूबसूरत भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिरन सभी खतरनाक जानवरों का फेवरेट खाना होता है, जिसका शिकार करने से वे पीछे नहीं हटते। ऐसे में व्हाइट हिरन का भी एक समय में काफी शिकार किया गया, जिसके चलते ये काफी दुर्लभ हो गई। एक वक्त तो ऐसा आया कि इनकी प्रजाति खतरे में पड़ गई, लेकिन अमेरिका की सैनिका आर्मी ने इस हिरन का जिम्मा संभाल लिया और सैनिका काउंटी में ही रहते हैं। सैनिका आर्मी की वजह से ही सफेद हिरणों का नाम सैनिका व्हाइट हिरन पड़ गया। इंडो पैसिफिक व्हाइट डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत ही प्यारे जीव होते हैं, जो इंसानों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो आपने कई डॉल्फिन को देखा होगा जो ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन क्या आपने व्हाइट कलर का डॉल्फिन देखा है? व्हाइट कलर के डॉल्फिन को इंडो पैसिफिक व्हाइट डॉल्फिन भी कहा जाता है, जो चीन, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर में पाए जाते हैं। इनकी सबसे ज्यादा प्रजातियां ताइवान में पाई जाती हैं, जिसके चलते उन्हें ताइवानीज व्हाइट डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। ये डॉल्फिन देखने में अविश्वसनीय रूप से काफी खूबसूरत होते हैं और बहुत ही दुर्लभ भी होते हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो ये डॉल्फिन 8 से 9 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 13 किलोग्राम तक होता है। ये करीब 40 साल तक जी सकते हैं। ये डॉल्फिन भी आम डॉल्फिन की तरह काफी फ्रेंडली होते हैं। स्नोफ्लेक व्हाइट गोरिल्ला। अभी तक आपने कई गोरिल्ला को देखा होगा जो काला या भूरे कलर का दिखाई देता होगा, लेकिन यकीनन आपने व्हाइट कलर का गोरिल्ला नहीं देखा होगा। आखिर देखेंगे भी कैसे, दुनिया भर में एकमात्र ही गोरिल्ला ऐसा है जो सफेद कलर का था। जी हाँ, हम यहाँ पर था इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि साल 2003 में व्हाइट गोरिल्ला की मौत हो गई। इसे स्नोफ्लेक गोरिल्ला भी कहा जाता है। ये स्नोफ्लेक गोरिल्ला 60 के दशक के मध्य में बार्सिलोना चिड़ियाघर में लाया गया था। उस वक्त इसे देखने की आज्ञा केवल शहर के रसूखदार शख्सियतों को और शहर के मेयर को ही मिली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये गोरिल्ला धरती पर कितना दुर्लभ प्राणी है। उस समय इस गोरिल्ला को इंक्वेटोरियल गिनी के एक किसान ने पकड़ा था। किसान ने उसे पकड़ने के लिए स्नोफ्लेक के समूह के सभी गोरिल्ला को मार डाला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्नोफ्लेक के समूह के बाकी सभी गोरिल्ला सफेद रंग के नहीं थे, सिर्फ यही गोरिल्ला सफेद रंग का था। काफी समय तक लोगों को लगता रहा कि उसका ये रंग एल्बिनो नाम की बीमारी की वजह से है, लेकिन साल 2003 में अधिकारियों ने पाया कि वो स्किन कैंसर से पीड़ित था। जी हाँ, जिसे लंबे समय तक दुर्लभ गोरिल्ला समझा जाता रहा, दरअसल वो एक बीमारी से पीड़ित था। जब ये बात लोगों को पता चली तो वे चौंक गए। व्हाइट पीकॉक। वैसे तो मोर देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं, ये तो आप जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। वहीं देश में भी कई स्थानों पर मोर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आमतौर पर इनका कई रंगों में पाया जाना होता है, लेकिन सबसे दुर्लभ मोर सफेद होता है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। सफेद मोर सभी मोरों से सबसे सुंदर होते हैं, जो अपनी चमकीली सफेदी से लोगों का ध्यान खींचते हैं। ये मोर काफी कम देखने को मिलते हैं। इनके सफेद रंग से अगर आपको लग रहा है कि ये एल्बिनो की वजह से ऐसे हैं, तो आप गलत हैं। इन्हें एल्बिनो नहीं होता, लेकिन इस खूबसूरत पक्षी का सफेद रंग ल्यूसिज्म के कारण होता है। इस जेनेटिक म्यूटेशन वाले जानवर अपने सामान्य आंखों के रंग को बनाए रखते हैं, केवल इसके पंख सफेद होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।